फार्म का एनालिसिस करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है, ऐसे लोग निर्भीक होते हैं, निडर होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पद तक पहुंच रही है तो टाइम को, पैसे को, वर्क को मैनेज करना अच्छे से जानते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है, खर्चीले कम होते हैं, मनी मैनेजमेंट शानदार होता है, आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा नहीं करते हैं। हल्का सा भी लिटिल फिंगर बैंड होता है रिंग फिंगर की तरफ तो ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ा देता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी बैंड होती है मिडिल फिंगर की तरफ तो ये धार्मिक भावनाओं को प्रबल करती है, बढ़ावा देती है। अंगूठा इनका काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेट है, स्ट्रांग है, मांसल है। इस तरह से जब अंगूठा स्ट्रेट रहता है किसी का भी तो ये मिलनसार स्वभाव नहीं देता है, जिस वजह से दोस्तों की संख्या बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है। प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, इंप्लीमेंट भी अच्छे से कर पाते हैं, ज़िद्दी होते हैं ऐसे लोग। और ये वाला सिरा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करनी जानते हैं, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर बिल्कुल भी इनका नहीं होगा। और ये वाला बोन जब बाहर की तरफ देख रहा होता है तो बिजनेस सेंस को ये स्ट्रांग करता है, ऐसे लोग घाटे से मुनाफा निकालना जानते हैं। हार्टलाइन इनकी ना तो जुपिटर से स्टार्ट हुई है ना सैटर्न से, मिड से है, सिंगल लाइन की हार्टलाइन है, पॉजिटिव है, अच्छा है। दोनों के गुण आते हुए हार्टलाइन में दिखाई दे रहे हैं। फैमिली और पैसा बराबर से महत्वपूर्ण होगा इनके लिए। माइंडलाइन इनकी एक सर्टेन एज तक और लाइफलाइन दोनों बंधन योग से निकल रही है। 26 के आसपास ये फ्री होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइफलाइन इनकी 26 से फ्री हो गया है बंधन योग से और माइंड लाइन भी तकरीबन उसी एज से फ्री हो गया है। उससे पहले इन्होंने जो भी डिसीजन लिए होंगे अपनी ज़िंदगी को लेकर मैक्सिमम गलती हुए होंगे। होता यह है कि जब आपका माइंड लाइन बंधन योग से होके गुजर रहा होता है तो आपको लगता है कि आप अपने दिमाग का 100% इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये होती है कि आप अपने दिमाग का सिर्फ 60% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन जैसे ही फ्री हुई है 29 तक प्रेशर बना हुआ दिखाई दे रहा है इनके माइंड लाइन पे। ये है माइंड लाइन और इस तरह से जो हाफ सर्कल नीचे की साइड से बनता है तो ये बताता है कि ऐसे लोग बिना मतलब नेगेटिव सोच की वजह से प्रेशर में अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो इनके हाथ में भी 26 से प्रेशर लाइन स्टार्ट हुई है और 29 तक है। उसके बाद माइंड लाइन स्मूथ है लेकिन गहरा है तो ऑब्वियस है कि दबाव तो रहेगा। इतना रहता ही है इंसान जब कोई काम करता है तो दबाव वाला जीवन तो रहता है। इतना गहरा माइंड लाइन आपको मैक्सिमम लोगों के पाम में देखने को मिल जाएगा। इसका कोई ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट नहीं है लेकिन इसका तो है, ये इंसान को बिना मतलब नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। और यहाँ से यहाँ तक 34 तक, 29 से लेकर 34 तक माइंड लाइन इनकी ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन हाँ प्रेशर बहुत है। इससे अच्छी माइंड लाइन इनकी एक तो यहाँ पे ब्रेक आ गया, 34 में इनके माइंड लाइन पे ब्रेक आया है और यहाँ से इनकी माइंड लाइन स्मूथ होती हुई दिखाई दे रही है काफ़ी अच्छे से। और यहाँ पे ऑफशूट है, देखिए ब्रेक जब हो तब पॉजिटिव न्यूज़ आती है, ऑफशूट हो माइंड लाइन पे तब भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है। आपकी माइंड लाइन पे ब्रेक 34 में है, ऑफशूट है 43 के आसपास और सेकेंड ऑफशूट है आफ्टर 10 ईयर कह सकते हैं माइंड लाइन पे 52-53 के आसपास। लेकिन इस तरह से जब माइंड लाइन आपकी लहराते हुए चलती है तो ये कॉन्सेंट्रेशन में अभाव को दिखाता है। ऐसे आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी है, स्ट्रांग है, स्ट्रेट है, अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये लहराते हुए जा रही है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। एक और चीज़ है आपकी माइंड लाइन पे, चलिए से इस तक 34 तक आपकी माइंड लाइन मंगल से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोग अपनी एनर्जी, अपने दिमाग का जो कॉन्सेंट्रेशन का जो पावर होता है उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, दिमाग भटकते रहता है, सपने वो देख लेते हैं जिनके पूरे होने के चांसेस नहीं होते, बिना मतलब का उस फील्ड की तरफ फोकस रखते हैं जो जिसमें जाने का दूर दूर तक साइन नहीं होता है या यूनिवर्स ने आपको उसके लिए बनाया नहीं है। आप लोग उस तरफ अपनी एनर्जी लगा देते हैं और जिस फील्ड में ये अच्छा कर सकते हैं उस पर फोकस नहीं रहने की वजह से सफलता मिलने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन 34 से इनकी माइंड लाइन पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। 34 से पहले सपने बुनने में ही आधी एनर्जी इनकी चली जाएगी, इसीलिए सफलता में लेट होगा, सक्सेस थोड़ा लेट मिलेगा। लाइफलाइन इनकी 26 से फ्री होती हुई दिखाई दे रही है, देन आफ्टर उसके बाद लाइफ बिल्कुल स्मूथ है। और हाँ एक चीज़, फॉरेन सेटलमेंट वाला जो पाम होता है जिसका जिक्र मैं करती हूँ उसमें भी आप कैसे पता चलता है तो लाइफलाइन जो होती है वो पूरी तरह शिफ्ट हो जाती है मून माउंट की तरफ। ये दर्शाता है कि ऐसे लोग फॉरेन जब जाते हैं तो वहीं के होके रह जाते हैं, घर वापसी का कोई सीन नहीं बनता है।
और ये घर वापस आना भी नहीं चाहते, वहीं पे सेटल हो जाते हैं। यही होता है, इस तरह की जब लाइफ लाइन होती है तो ये फॉरेन सेटलमेंट हमेशा के लिए दिखाता है। आपकी जो लक लाइन है, एक तो आपकी जो मर्करी की लाइन है ये बिजनेस की तरफ ही इशारा कर रही है। ऐसे लोग बिजनेस अच्छा करते हैं, जॉब भी अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है। ये प्राइवेट जॉब और बिजनेस को शो करता है, गवर्नमेंट जॉब वाला पाम ये नहीं है। ऐसे आपके पाम में, क्योंकि बहुत कम एज से बंधन योग से मुक्ति आपको मिल रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम की आपके पाम में जो बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी जो लक लाइन है वो लगातार ब्रेक होते हुए चल रही है। स्मूथ लक लाइन एक भी आपकी नहीं है टिल एज 43 से। 43 तक आपकी कोई भी लक लाइन कंटिन्यू नहीं है, यानी जॉब हो या बिजनेस हो, चेंज टाइम टू टाइम पे आते रहेंगे आपके। चेंज बहुत ज़्यादा है और इतना जब चेंज आता है तो झंझटों वाला लाइफ ये देता ही है इंसान को। तो ये पॉजिटिव नहीं है आपके पाम में, निगेटिव है। और एक चीज़ और है, मैं भी बता देती हूँ, फिर बाद में इंसान भूल जाऊँ। यहाँ जो मोल होता है, मान लीजिए आपके वेनस माउंट पे मोल है, तिल है, तो इसका साइड इफेक्ट ये होता है लाइफ में एक ना एक बार देखने को मिलता है। इसके लिए आपको अलर्ट पे रहना है। लड़कियां जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा लाइफ में एक बार आरोप लगता है, वो भी आपने कुछ किया नहीं होता है, कोई गलती नहीं की होती है, लेकिन इंटेंशनली वो आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। तो जिनके भी वेनस माउंट पे मोल होता है उन्हें जब किसी फंक्शन में आप जाएं या किसी से भी आप बात करें तो थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। लड़की और महिलाओं के संदर्भ में ये बात है। माइंडलाइन आपकी काफ़ी लहराती हुई जा रही है, ये माइंडलाइन अच्छी नहीं होती है, ये आपके वीक कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है। मेडिटेशन करना है आपको इसके लिए। जुपिटर का माउंट आपका बहुत अच्छा है, शानदार है, बढ़िया है, लाजवाब है। बहुत कम हाथों में इतना अच्छा जुपिटर का माउंट देखने को मिलता है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ तीनों आपकी शानदार होगी। और जुपिटर के माउंट पे लूप बन रहा है, ये राजा लूप होता है। राजा लूप जिन लोगों के भी पाम में होता है वो बाय बर्थ लीडर कहे जाते हैं। ये लोग मास को लीड करते हैं कभी ना कभी लाइफ में, और लोग इनकी बात को सुनते हैं क्योंकि पूर्वार्ध के कर्मों की वजह से कहिए या जो भी कहिए, इनके अंदर राजाओं वाली बात होती है, किंग वाली बात होती है, तो लोग इन्हें फॉलो करते हैं किसी ना किसी वजह से। और इनका जो राजा लूप है वो शिफ्ट हो गया है जुपिटर के माउंट की तरफ हल्का सा। अब क्या होता है कि इसका पोजिशन भी बहुत कुछ तय करता है। जब आपका राजा लूप सैटर्न की तरफ शिफ्ट होता है तो ये एक तरह से आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, लेकिन यही राजा लूप जब जुपिटर की तरफ शिफ्ट होता है तो ऐसे लोग या तो बिजनेसमैन बनते हैं या फिर पॉलिटिशियन, क्योंकि ये आपको क्लेवर बनाता है। और इस तरफ जाता है तो इंसान झूठ नहीं बोल पाता, सच्चाई पसंद इंसान बनता है। शनि देव की के गुण ज़्यादा आते हैं उसके अंदर, तो समझ जाइए आप कि पैसे से ज़्यादा ये लोग लोगों की भलाई पे ध्यान देते हैं। लेकिन जब जुपिटर की तरफ ये शिफ्ट होता है तो ये क्लेवरनेस देता है, बोलने की कला में माहिर बनाता है, और गुरु के सभी गुण होते हैं इनके अंदर, जिस वजह से, क्योंकि इनके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन नहीं है, अगर होती तो बड़े लेवल के गवर्नमेंट ऑफिसर बनते हैं ऐसे लोग। पॉलिटिक्स में बहुत अच्छा करते हैं और बिजनेस में बेहतरीन निर्णय लेते हैं ये लोग। इनका सेटन का माउंट फ्लैट है, जितनी मेहनत उतनी सफलता, कोई खास साइन इस पर बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से उभार है तो सुबोटने में आपको दिक्कत आती होगी। सन माउंट आपका अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये बताता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नाम कमाएंगे, फेम मिलेगा आपको, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके सन माउंट पे एक भी साइन नहीं है ऐसा जो आपको फेमस बनाता हो या सेलिब्रिटी टाइप इंसान बनाता हो। एक भी साइन ऐसा नहीं है, और ना ही आपकी लक लाइन उस दिशा की तरफ इशारा कर रही है। इस तरह से जब आपके सन माउंट पे साइन नहीं होते हैं, कमज़ोर होते हैं, या सन माउंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होता है, तो ये स्ट्रगल करवाता है, आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है। मर्करी का माउंट आपका वीक है, लेकिन खड़ी लाइनें हैं तो हीलिंग कैपेसिटी अच्छी होगी, प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे से करते होंगे आप दूसरों की, लेकिन बोलने की कला में आप वीक होंगे, कहना कुछ चाहते होंगे, कह कुछ देते होंगे। ये वाला सिरा उठा हुआ है तो सुबह उठने, माफ कीजिएगा, ये वाला सिरा उठा हुआ है तो फेम पाने की इच्छा बहुत ज्यादा होगी आपके अंदर। आपके सन माउंट पे साइन मुझे नहीं देख रहे, लेकिन एक चीज है
जो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अभी तो नहीं, क्योंकि एज भी कम है आपकी, 26 के आसपास हैं आप, तो बहुत कम एज है। हो सकता है कि 30 के बाद जब आपकी माइंड लाइन 30-34 के आसपास जब आपकी माइंड लाइन ब्रेक हो और उसके बाद जो स्मूथनेस आएगी माइंड लाइन पे, हो सकता है तब कोई ना कोई साइन यहाँ पे जनरेट हो, क्योंकि आपके पाम में एक ऐसा लाइन है जो अभी अधूरा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, जो ये बताता है कि ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े लोग आते हैं और इनसे पूछ के अपनी लाइफ में जो जो भी डिसीजन लेते हैं इनसे सलाह अवश्य लेते हैं। तो ये बड़ा पद भी दिलाता है इंसान को, गवर्नमेंट नहीं लेकिन स्पिरिचुअलिटी में और पॉलिटिक्स में। इस तरह के साइन आपको बड़े बिजनेसमैन के पाम में दिखते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के पाम में दिखते हैं, स्पिरिचुअल जो गुरु होते हैं उनके पाम में दिखते हैं, बिजनेसमैन के पाम में तो मैंने बता ही दिया, और जो ये जर्नलिस्ट होते हैं उनके पाम में आपको ये साइन दिख ही जाएगा, जो बड़े लेवल के जर्नलिस्ट होते हैं। लेकिन अभी तक आपके पाम में कोई भी ऐसा साइन नहीं है एक्सेप्ट ये राजा लोग, इसके अलावा कोई भी ऐसा साइन नहीं है जिसको देख करके मैं कॉन्फिडेंटली ये बोल सकूँ कि हाँ आप आगे चल करके बहुत बड़ा बहुत बड़े पद पे या किस डायरेक्शन में जाएंगे वो भी मैं क्लियरली नहीं बता पाऊंगी अभी फिलहाल। आपके पाम में इस पर भी कोई ट्रायंगल का साइन नहीं है। चलिए पहले माउंट्स देख लेते हैं, देन आफ्टर हम आपके साइन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, आपके पाम वगैरह को देखते हैं, बहुत सारे पिक्स आपने भेजे हैं। अगर साइन मिल जाता है तो ठीक है, फिर हम बता पाएंगे आपको कि आप किस फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। यदि साइन नहीं मिलती है तो फिर मुश्किल है बता पाना। इना मास आपका वीक है तो इम्यूनिटी की प्रॉब्लम तो होगी आपको, हेल्थ इश्यूज़ कोई ना कोई रहेगा जिंदगी में, बहुत अच्छी इम्यूनिटी नहीं है, खान पान का ध्यान रखना है आपको। वेनस माउंट आपका अच्छा है, डेवलप है, काफ़ी स्पेस लिए हुए हैं, लेकिन इस तरह का जो वेनस माउंट होता है ना बहुत ज़्यादा उभार लिए हुए ना बहुत ज़्यादा दबा हुआ, तो ये बताता है कि ऐसे लोग जिनका भी ये पाम है लग्जरियस चीज़ें तो होंगी इनके पास लेकिन उसका एडिक्शन इनको नहीं होगा, ये उसके बिना भी आराम से रह लेंगे। मून माउंट आपका काफ़ी अच्छा है, फॉरेन से कनेक्शन, ऑलरेडी आप फॉरेन में हैं तो कनेक्शन की बात ही नहीं है, फॉरेन से कनेक्शन की तरफ इशारा करता है और इनकम के सोर्सेज बनते हैं। मून माउंट और मर्क्यूरी माउंट जब दोनों अच्छा होता है तो ये खूबसूरती सुंदरता भी देता है, पसंद अच्छी होती है ऐसे लोगों की। आउटर मास काफ़ी अच्छा है, एनर्जी काफ़ी अच्छी होगी, अपनी पसंद के लोगों से जब आप मिलते होंगे तो पूरी एनर्जी से उनका वेलकम करते होंगे, लेकिन जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं उन्हें वेलकम करने का कोई भी शौक नहीं है आपके अंदर, पसंद नहीं करते हैं तो फिर उसको अवॉइड करने से भी पीछे नहीं हटते होंगे। अब एक काम करते हैं, पहले हम एज वाइज एनालिसिस कर लेते हैं ताकि आगे की लाइफ को अच्छे से समझ पाएं। ये 26-27 में कोई ना कोई चेंज, बड़ा चेंज है, ये लाइफ को नई दिशा मिल रही है और यहीं से आपकी लाइफ इनफैक्ट स्टार्ट हुई है। 29 में अगेन चेंज, यहाँ से अभी तक जो आपकी लाइफ है उससे बेहतर स्थिति में आप जाते हुए, और 29 का जो चेंज है वो आपके माइंड लाइन पे भी शो हो रहा है, और 29 में मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये शादी की लाइन भी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो 29 में आपकी शादी भी हो सकती है क्योंकि ये एक तरह से रिलेशन लाइन की तरफ इशारा कर रहे हैं। 33 में ऑफशूट है, अब लाइफ लाइन पे ये ऑफशूट है 33 में, लेकिन माइंड लाइन पे ये 34 में ब्रेक आ रहा है, इसीलिए मैं 1 ईयर प्लस माइनस लेके चलती हूँ। 35 में अगेन ऑफशूट, ये 41 में ऑफशूट है आपके पाम में, और ये 44 में ऑफशूट है, और 44 में ऑफशूट देन आफ्टर ये 40 का ऑफशूट है, ये 44 का, और 46 में बड़ा चेंज होता हुआ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। 41 ऑफशूट, 45 ऑफशूट, 47 ऑफशूट, 49 ऑफशूट, और 49 में एक राहु की लाइन काटा है, बट ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, हल्का फुल्का होगा, हो सकता है कोई पैसे आपने कहीं लगाए डूब गया, इस तरह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है।
51 में कट है, 53 में कट है, 56 में कट है, 59 में ऑफ शूट है, उसके बाद लाइफ बिल्कुल स्मूथ है 59। लेकिन इन रियलिटी आपकी जो आपका जो कामयाबी का सफ़र है, क्योंकि इससे पहले जो ऑफ शूट है वो बहुत ही आभासी तरीके का है, मतलब ट्रांसपेरेंट टाइप है, तो बहुत ज़्यादा खुशी आपको ये देने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, खुशी मिलेगी, लेकिन ज़िंदगी बदलने वाली जो खुशी है, जो एक तरह से इंसान को चेंज कर देता है, तो वो 41-42 के आसपास है। यहाँ से आपकी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होगी वो भी शॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि मैंने फाइनेंशियल इश्यूज इसलिए बात की है यहाँ पे, क्योंकि आपके पाम में राहु की लाइन का दुष्प्रभाव नहीं है, कहीं से भी राहु की लाइन ने बहुत स्ट्रांगली कट नहीं किया है, लेकिन फिर भी आपकी जो लाइफ लाइन है वो 29 से लेकर के 42 तक हल्का सा फेंट होती हुई निकल रही है। तो ये बताता है कि प्रेशर में लाइफ रहता है इंसान का, या जीवन को सही दिशा नहीं मिल पाती है, तब भी ऐसी लाइन होती है। और आपकी जो लक लाइन है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं जिंदगी को दिशा नहीं मिल पा रही है, इसीलिए इंसान एक काम को छोड़ के दूसरा काम, दूसरे को छोड़ के फिर तीसरा काम, मतलब स्विच हो रहा है बार बार। तो ये स्विच होने की जो स्थिति है ये एकदम रुकती हुई दिखाई दे रही है 42 से। 42 से आपका अब जो भी बिजनेस सब स्टार्ट करेंगे या फिर जो भी जिस भी जॉब में आप जाएंगे वो आपको अच्छी खासी स्टेबिलिटी देगी, उसके बाद से लाइफ काफ़ी स्मूथ हो जाएगी आपकी। अब हमें ये देखना है कि ये सभी चीज़ें आपके लक लाइन पे शो हो रही है कि नहीं, लेकिन ये सभी चीज़ें आपके माइंड लाइन पे अच्छे से शो हो रही है। यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि ऑफशूट है, इसमें 43 बता रहा है, लेकिन आपके पामे 42 है, इसीलिए वन ईयर का इधर उधर वन ईयर होता ही है, प्लस माइनस लेके चलना ही पड़ता है। अब देखिए आपकी लक लाइन, एक तो आपकी लक लाइन राहु से तो शुरू हुई है, तो राहु से जब भी लक लाइन इनिशिएट होती है तो ये सडन चेंज देती है लाइफ में, सडन एकदम। आपने उम्मीद भी नहीं रखी है कहीं से, कोई भी काम आपने इनिशिएट किया, आपको उम्मीद नहीं है कि आप बेहतर कर पाएंगे, लेकिन कभी कभी आप बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो ये सडन गेन को दिखाता है, सडन लॉस को भी दिखाता है। आपने कुछ उम्मीद के साथ कोई काम इनिशिएट किया, लेकिन उम्मीद के हिसाब से आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मुनाफा नहीं मिल रहा है, और आपको वो काम बंद करना पड़ गया, तो ये भी इसी चीज़ की तरफ इशारा करता है। इसीलिए राहु से जो लक लाइन इनिशिएट होती है तो उसको अच्छा भी माना जाता है और बुरा भी माना जाता है, क्योंकि सडन कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, इंसान को अलर्ट रहने का मौका भी नहीं देता है। तो आपके पाम में जो 26 से पॉजिटिव चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है, 26 साल से कोई ना कोई अच्छा काम आपने इनिशिएट किया, लेकिन ये भी आपको बहुत ज़्यादा पैसा देने वाला लाइन नहीं है, जितनी मेहनत आप करेंगे उतना ही इनकम ये देगा आपको। देन 29 में चेंज वो यहाँ पे शो हो रहा है, ये जो चेंज आने वाला है 29 में ये आपको इससे थोड़ा कम इनकम, कम नहीं कह सकते हैं, मैं दूसरा पिक लेती हूँ। ये है आपकी 26 की लाइन जो इनिशिएट हुई, ये भी अच्छे से मूव कर रही है जैसे भी है, लेकिन मेहनत बहुत करवाती है ये। उसके बाद 29 से एक नई इनकम के सोर्स आपके ओपन हो जाएंगे और फिर अच्छे से लाइफ चलेगी, क्योंकि दो दो इनकम के सोर्स हैं तो लाइफ स्टाइल ठीक ठाक रहती है। और इसके साथ ही एक और इनकम के सोर्स आपके ओपन होने वाले हैं 29 से ही, तो तीन तीन हैं तो लाइफ स्मूथ रहेगी तब तक। लेकिन क्या है कि बहुत लंबा नहीं है ये। अगेन क्या हुआ कि ये 34 में ये जो यहाँ पे ब्रेक आया है ये शो कर रहा है यहाँ पे कि 34 में ये वाला काम स्टॉप हो जाएगा, जो आप 29 में इनिशिएट करेंगे जिस काम को, ये वाला काम मूव करेगा लेकिन अच्छे से नहीं, ये भी स्टॉप होता हुआ दिखाई दे रहा है। और 35 से नया काम इनिशिएट हुआ है, तो एक साल का वहाँ पे ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो ब्रेक भी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, अच्छा है। आप जो भी काम उसके बाद इनिशिएट कर रहे हैं वो आपको ज़्यादा पैसा दे रहा है। और 42 वाला जो चेंज है वो बहुत शानदार है। हाँ, ये अलग मैटर है कि वो कट कट के दे रहा है आपको पैसे, टूट रहा है ये भी, लेकिन जो भी काम आप 42 से इनिशिएट कर रहे हैं वो आपको नेम, फेम, पैसा सब दे रहा है। ये देखिए 42 से जो इनिशिएट हुआ वहाँ पर भी ब्रेक दिखाई दे रहा है, यानी स्टेबिलिटी ये अभी तक नहीं दे पाया, ये शो कर रहा है। स्टेबिलिटी आपके लाइफ लाइन पर कब से आ रहा है? 46 का ये जो चेंज है आपके लाइफ लाइन पर, जहाँ पे ये लाइन यहाँ पे और यहाँ से एक नई लाइन इनिशिएट हुई है, जो आउटर साइड से लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है वही चेंज यहाँ पे शो होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई लक लाइन आपकी 40
48 के आसपास से इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है, जो आगे चलकर बायफॉर्क हो गई है। बायफॉर्क होने का मतलब ये होता है कि एक जो आपकी लक लाइन है वो देख रही है सन की तरफ और एक लक लाइन देख रही है जुपिटर की तरफ। तो ये आपको पैसा दे रहा है, फेम भी दे रहा है बराबर से। आपकी लाइफ पूरी तरह से स्मूथ ट्रैक पे आती हुई 34 से पॉजिटिव चेंज होगा, पैसा आएगा आपके पास। वैसे तो 29 से पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है आपको, ये चीज़ भी दिमाग में याद रखिए। 34 से भी पॉजिटिव चेंज है, लेकिन लाइफ को स्टेबिलिटी मिलती हुई मुझे 42 से दिखाई दे रही है। 34 से नहीं, 42 से। 42 से आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी, टेंशन कम हो जाएगी लाइफ में और आगे चल करके बहुत बेटर होती हुई लाइफ दिखाई दे रही है। अब होता क्या है कि लोग क्या करते हैं, जो मैं एनालिसिस करते हैं उसको देख लेते हैं और कहते हैं ये क्या, यहाँ से तो 35 था लक लाइन। कुछ होते हैं ऐसे पामिस्ट आ गए हैं हमारे यूट्यूब पे, जो वीडियोस को देख करके कमेंट करते हैं और सवाल उठाते हैं कि माइंड लाइन पे तो 35 होता है, तो फिर आपने यहाँ पे ये क्यों बोला कि ये 34 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए इनकी जो हार्ट लाइन है वो भी नीचे से काफ़ी स्पेस ऊपर वाले एरिया को दे करके जा रही है, और ये जो माइंड लाइन है ये भी नीचे एकदम झुक रही है। तो एक तरह से एक अनुमान है, एक अनुमान पामिस्ट्री में रखा गया है कि लक लाइन जब आपकी माइंड लाइन को क्रॉस करती है तो 35 होता है, माफ कीजिएगा 35 होता है, और यहाँ पे जब आपकी हार्ट लाइन को क्रॉस करती है तो 55 होता है। ये लॉजिक तब लगता है जब दोनों हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों अपने सही पोजीशन पे हो। हल्का सा भी पोजीशन चेंज होता है तो फिर टाइमिंग चेंज हो जाता है। अब मैं कैसे गणना करती हूँ तो वो मेरी खुद की पामिस्ट्री है, किसी के साथ भी शेयर करना मैं पसंद नहीं करती। और ये वाला जो चेंज है आपके पाम में, ये 53-54 ये यहाँ पे शो हो रहा है, ये 48 से इनिशिएट हुआ और ये 53-54 में आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। बड़ी मीन्स ये कि लोग आपको जानेंगे और आपके पास इनकम के अच्छे खासे सोर्स होंगे। स्ट्रगल तो है आपकी पाम में, ऐसा नहीं है कि 26 से आपको बंधन योग से मुक्ति मिल गई तो लाइफ बहुत स्मूथ है। स्मूथ नहीं है, स्ट्रगल है, क्योंकि इनकम के सोर्सेस ओपन करने के लिए डिफरेंट टाइप से आपको मेहनत तो लगेगी अभी। और 42 से लाइफ ट्रैक पे आएगी, 48 से स्मूथ इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा, फेम मिलना जिसको कहते हैं जब 10 लोग आपको जानेंगे, आपको अपना आइडियल मानेंगे, वो 53 के आसपास से इनिशिएट होगा। अब आपके साइन को देखते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में जाकर के अच्छा करने वाला पाम ये नहीं है। पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनका पाम इस तरह का नहीं होता है। जो अब एक होता है ना कि इंसान किसी पार्टी के साथ जुड़ जाए तो उसका फिर अलग होता है। वो फिर आप ये बोलेगा मैं फलाने पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो क्या मतलब मेरी जो लाइफ लाइन है वो मून मॉन की तरफ शिफ्ट हो गई है मेरे पाम में, लेकिन मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ। पॉलिटिक्स में होना और पॉलिटिक्स में नाम कमाना दोनों में बहुत अंतर होता है। तो जब भी पॉलिटिकल कोई भी साइन आपके पाम में बनता है राजनीति से जुड़ा हुआ, तो वो ये बताता है कि आने वाले टाइम में अगर आप पॉलिटिक्स में जाते हैं या नहीं भी जाएं तभी राजनीति आपको खींच के अपने तरफ ले जाएगी और आपको पद दिलाएगी। तो पद दिलाता है जब यहाँ पे ट्रायंगल होता है और जब आपकी लाइफ लाइन एकदम गोलाई में शुक्र पर्वत को वेनस माउंट को घेरती है। इनके पाम में वो साइन नहीं है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाला जो साइन है ऑब्वियसली बात है कि यहाँ भी इनके लूप बन रहा है मून पे भी, तो लूनर माउंट पे यहाँ पे जब लूप बनता है तो ये इंसान को प्रकृति से जोड़ता है, जैसे नेचर से जुड़ना अच्छा लगता है इनको, एकांत रहना अच्छा लगता है, अपने आप से बात करना अच्छा लगता है, इमेजिनेशन बहुत हाई हो जाती है इनकी। ऐसे इनकी माइंड लाइन इमेजिनेटिव नहीं है, लेकिन इस लूप की वजह से इमेजिनेशन बहुत हाई होता है और लोगों की मदद करना ये लोग पसंद करते हैं, अच्छा होता है इस सेंस में। तो हाँ ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जा सकते हैं। ये वाला माउंट, ये वाला जो लूप है राजा लूप, ये बताता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये आपको क्लेवर और चालाक बना रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनके अंदर क्लेवरनेस या चालाकी आ जाती है तो वो फिर ये पुरानी पामिस्ट्री है। आजकल तो बहुत से ऐसे महात्मा और गुरु आ गए हैं जो आम इंसान, जो मैं कुछ कहूँ तो फिर बवाल मच जाएगा, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए हाँ जा सकते हैं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, क्योंकि आजकल तो या कुछ टाइम से मैं देख रही हूँ कि बहुत से ऐसे बाबा हैं जो चालाकी के दम पर ही बाबा बने और नाम भी कमाया है, तो वो भी हो सकता है। बिजनेस में स्टेबिलिटी आते आते काफ़ी वक्त लगेगा, आपको टाइम लगेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाते हैं, आध्यात्म की तरफ भी जाते हैं, तो उसमें भी स्टेबल होने में काफ़ी वक्त लगेगा। आपको कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलेगी ज़िंदगी में, स्ट्रगल तो करना ही होगा आपको, वो भी अच्छे से। अब आपके माउंट पे मैं साइन देखती हूँ, साइन है कि नहीं है। छोटा सा एजुकेशन का लाइन है,
तो व्यवहारिक ज्ञान बहुत अच्छा नहीं, लेकिन होगा आपके अंदर, ठीक ठाक होगा। और इस तरह से जब यहाँ पे लूप बनता है तो ये सीरियस बनाता है इंसान को। ऐसे लोग बोलने से ज़्यादा चुप रहना पसंद करते हैं। ये लाइन जो होती है ये भी स्ट्रगल करवाती है। कोई भी लाइन मान लीजिए इस तरह से स्ट्रांगली मंगल से निकले और सन माउंट की तरफ मूव कर जाए तो इसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मों की वजह से ये लाइन हमारे पाम में आती है और ये एक सर्टेन एज के बाद, इनिशियल स्टेज में नहीं, वहाँ भी आपको मेहनत करवाती है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद आपको इतनी सफलता देती है कि इंसान इतना प्रॉपर्टी बना लेता है अपनी लाइफ में कि उसकी सात पुश्तें बैठ के खाती हैं। अब इसमें क्या इश्यूज़ हैं, इनकी जो सन लाइन है जो सन माउंट की तरफ देख रही है मंगल से, इस तरह से कहीं से भी अगर देखती है, यहाँ से इनिशिएट ना होकर के कहीं मंगल की तरफ से अगर देखती है सन माउंट की तरफ, तो ये बताता है कि सक्सेस तो मिलेगी आपको लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी, तो मेहनत तो करना ही है आपको। दूसरों की तुलना में आपको ज़्यादा मेहनत है। और ये भी अजीब है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा है कि आपके पाम में, किसी के पाम में राहु की लाइंस नहीं है लेकिन फिर भी स्ट्रगल है, ये मुझे फर्स्ट टाइम देखने को मिल रहा है। आपके सन माउंट पे भी कोई साइन नहीं बना है, हो सकता है इस काम में इसलिए नहीं बना है। इस तरह से जब स्क्वायर होता है सन माउंट पे तो ये पुश्तैनी जमीन ज़्यादा दिलाता है। स्क्वायर तो हैं आपके, बड़े बड़े स्क्वायर हैं, तो बड़े घर में रहने का, बंगलों में रहने का जो ख्वाब होता है वो पूरा हो जाता है और 32 तक अपना घर इंसान को मिल जाता है। मुझे साइन नहीं दिख रहे हैं आपके पाम में, कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। अगर होता तो दिखता, ट्राइंगल है भी तो ये आभासी तौर पे दिख रहा है, पूरी तरह से बना नहीं है अभी भी साइन आपके पाम में। तो हो सकता है, मुझे क्या लग रहा है कि 29 के बाद ही आपके साइन डेवलप होंगे। और ऐसे भी हर 6 माह पे कुछ साइन बनते हैं, कुछ बिगड़ते हैं, लेकिन जो अच्छे साइन होते हैं वो टिकते हैं, वो जाते नहीं हैं, बहुत मुश्किल से वो जाते हैं। इस पाम को देख करके, देखिए लुक वाइज ये पाम बहुत अच्छा है, पिंकिश है, यहाँ पे वाइट है, तो पैसे को आकर्षित करता है बट एक लेवल तक, उससे ज़्यादा नहीं। पाम आपका अच्छा है, ये मेहनती होते हैं ऐसे लोग जब इस तरह का पाम होता है। हथेली के पीछे यहाँ पर तिल का निशान जिनका भी होता है, ऐसे लोग बिजनेस में अपार सफलता पाते हैं, बुद्धिमान होते हैं, दिमाग बहुत चलता है इनका। और इनका जो पाम है वो मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाला तो बिल्कुल भी अब नहीं लग रहा है, क्योंकि इस तरह से तिल का होना आपको बिजनेस सेंस स्ट्रांगली देता है, तो आप बिजनेस में बहुत अच्छा करेंगे। हाँ, स्ट्रगल है लेकिन तरक्की भी है। और अंगूठे पे यहाँ पे ये जो सफ़ेद वाला स्पॉट होता है, जिनके भी इस तरह का स्पॉट होता है अंगूठे पे, तो ऐसे ये भी आपके बिजनेसमैन होने की तरफ इशारा कर रहा है। ये भी बताता है कि ऐसे लोग बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करेंगे और बिजनेस के ज़रिए ही इन्हें समाज में मान सम्मान मिलेगा, तो ये भी आपके बिजनेस की तरफ ही इशारा कर रहा है, आपको बिजनेस ही करना चाहिए। और एक चीज़ और बताता है ये अंगूठा, कि ऐसे लोग जो खरीद फरोख्त वाला जो बिज़नेस होता है, कोई चीज़ आपने खरीदी किसी कीमत पे और उसे थोड़े ज़्यादा दाम पे आपने किसी को बेच दिया, तो उस तरह का जो बिज़नेस होता है वो भी इस तरह का अंगूठा उस तरह भी इशारा करता है। लाइफ पार्टनर को लेकर के जो भी सवाल आपने किया है, तो उस हिसाब से आपकी जो वाइफ होंगी वो लुक वाइज ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगी ना बहुत ज़्यादा कम खूबसूरत होंगी, मिड में लुक वाइज एकदम ठीक ठाक होंगी। और शादी थोड़ी सी लेट है तो ऑब्वियस आपके पाम में भी 29 में ही शायद शादी आपकी, 1 ईयर प्लस माइनस करके चलेगा, 28 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। अब तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी छूटा है आपके पाम में, मैंने सभी चीज़ें एनालाइज कर ली हैं। और ये इस तरह से जब रिस्ट होता है, जैसे कलाई कहा जाता है, पतला सा हाथ के अनुपात में कम स्पेस लिए हुए होता है, तो ये भी एक तरह से धनवान होने की तरफ सूचित करता है। अमीर तो होंगे आप लेकिन स्ट्रगल बहुत है, मैं इसलिए बता दे रही हूँ आपको, क्योंकि होता है ना, इंसान कहता है कि आपने तो कहा था कि मैं बहुत अमीर बनूंगा एक कुछ वक्त के बाद, लेकिन स्ट्रगल है, मेहनत तो आपको करनी होगी क्योंकि आप
ज़मीन पर से आसमान तक की ऊंचाई तय करना चाह रहे हैं और आपके हाथ में भी है, आप पहुंचेंगे बहुत ऊंचाई तक, लेकिन मेहनत जितनी सफलता उससे कहीं ज़्यादा मेहनत। तो आज के लिए बस इतना ही, और किसी को भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना हो तो अपने पाम की पिक जीमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए भेज दीजिए, और आपका कोई सवाल अगर रह गया हो तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए पूछ लीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय।